शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी सलोना कुशवाहा ने अपनी जीत का दावा किया है। सलोना ने कहा कि मैं महिला हूं, दबंग लोग मुझे अबला ना समझे। उन्होंने कहा कि जनता के दिलों में दबंगई से जगह नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि अब चुनाव दबंगई से नहीं जीते जा सकते। उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता पर भरोसा जताया है। सलोना कुशवाहा ने कहा कि विकास कार्यों की दम पर वो चुनाव लड़ रही है और उनके क्षेत्र की जनता अब तिलहर में बदलाव चाहती है। एक तरफ तीन बार के विधायक हैं जो जीते हुए भी हैं, वर्तमान विधायक भी हैं, और एक तरफ आप, तो किस तरह की चुनौती सामने आ रही है? कोई चुनौती नहीं, अगर मन में विश्वास कर लो, रिश्ते कर लो, तो कोई ऐसा काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते हैं। मुझे लग रहा कोई भी अपने मन में पक्का विश्वास कर ले कि ये काम हम करेंगे तो कर सकते हैं। हमने भी ये ठान लिया है कि तिलहर विधानसभा में बदलाव लाएंगे तो लाएंगे, क्योंकि हमारे जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी, माननीय योगी जी ने इतना विकास किया है पूरे अपने देश के लिए। आज देखिएगा कि हर घर में पहले चूल्हा जलता था, तो अब चूल्हा नहीं जल रहा है। उन्होंने गैस सिलेंडर दिए हैं अपने पूरे उसके लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, और गरीब लोगों के लिए अनाज, जो पहले खाली पेट सो जाते थे लोग, आज उनको भरपेट खाना मिल रहा है। हर तरीके का नमक, तेल, दाल, हर चीज दे रही है। जो भी ये मतलब घर में जो भी हम लोग डेली यूज में खाने में प्रयोग करते हैं, वो हर सुविधा दी जा रही है। पैसे भी दिए जा रहे हैं, बगैर पैसे आजकल कुछ नहीं हो सकता, तो हमारी सरकार पैसे भी दे रही है। तो ये सब चीजें जनता देख रही है कि इस सरकार में कितनी सुविधाएं मिल रही है। बस यही सुविधाएं जनता देख रही है। अभी जो इलेक्शन जब खुलेंगे वोट 7 मार्च को, तो आप देख लेना कितना बड़ा समर्थन मिला जनता आपके सामने जीवन कारावास कराने की धमकी देते हैं। हाँ, इनका तो शुरू से 15 साल से जो भी है, तो इस तरीके से धमकाना, उनको अपने उसमें लेना अपनी तरफ या कुछ भी इसी तरीके से। लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ कि ऐसे इलेक्शन नहीं जीता जाता है। पहले अपनी जनता का मन जीत लेगा। अगर आपने मन जीत लिया तो जनता पुनः आपकी तरफ हो जाएगी। अब वही सब हो रहा है हमारी विधानसभा में। आप देखो, कहीं किसी को धमकाया जा रहा है, कहीं कह रहे हैं कि अब जीवन भर के लिए तुमको जेल में डाल देंगे, या तुम्हारा कारोबार तुम्हें नहीं करने देंगे, या तुम्हारा मतलब जो भी बिजनेस चल रहा है उसमें तुम्हें घाटा पहुंचाएंगे, तुम्हें इस मुकदमे में फंसा देंगे, तुम्हें उस मुकदमे में फंसा देंगे। लेकिन आज की जनता, आज की युवा पीढ़ी सब पढ़ी लिखी हुई है। सब बच्चे आजकल के सब फेसबुक, व्हाट्सएप चला रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि वो किसी के धमकाने में आएंगे। वो बच्चा वही करेंगे जो उनके मन में है। कितना बड़ा समर्थन मिल रहा है आपको? मुझे चारों तरफ हर समाज का, हर वर्ग का, और अपनी पूरी विधानसभा से, जब मैंने आज से 4 साल पहले अपनी विधानसभा में कदम रखा था, तब भी मुझे भरपूर समर्थन मिला था। लेकिन जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में मैंने कदम रखा, इससे तो मुझे और ज्यादा समर्थन मिल रहा है। और ये समर्थन आप देख लेना, जब वोट पड़े तो देखना कितनी भारतीय जनता पार्टी की भरी हुई वोटों से बक्सियां निकलती है। चैलेंज करते हैं और आप नारी शक्ति की क्या बात? वो भूल गए हैं, वो भूल गए हैं कि जब घमंड अहम इंसान को आने लगता है तो केवल उसे अपनी ही शक्तियां देखती है, सामने वाला का बल नहीं देखता है। लेकिन हम उनको बता देंगे कि बदलाव आएगा। और एक नारी को अबला नारी मत समझे। नारी जब अपने पे उतर आती है, कोई भी हो, जब नारी शक्ति अपने पे उतर आती है तो बड़े बड़ी हस्तियों को मिटा के रख देती है। आप देख लेना, मैं अपनी एक सच्चाई से ईमानदारी को पूरी तिलहर विधानसभा को बदल के रख दूंगी। जो समर्थक आप जीवन कारावास कराने की धमकी देते हैं, हाँ, इनका तो शुरू से 15 साल से जो भी है, तो इस तरीके से धमकाना, उनको अपने उसमें लेना अपनी तरफ या कुछ भी इसी तरीके से। लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ कि ऐसे इलेक्शन नहीं जीता जाता है। पहले अपनी जनता का मन जीत लेगा। अगर आपने मन जीत लिया तो जनता पुनः आपकी तरफ हो जाएगी। अब वही सब हो रहा है हमारी विधानसभा में। आप देखो, कहीं किसी को धमकाया जा रहा है, कहीं कह रहे हैं कि अब जीवन भर के लिए तुमको जेल में डाल देंगे, या तुम्हारा कारोबार तुम्हें नहीं करने देंगे, या तुम्हारा मतलब जो भी बिजनेस चल रहा है उसमें तुम्हें घाटा पहुंचाएंगे, तुम्हें इस मुकदमे में फंसा देंगे, तुम्हें उस मुकदमे में फंसा देंगे। लेकिन आज की जनता, आज की युवा पीढ़ी सब पढ़ी लिखी हुई है। सब बच्चे आजकल के सब फेसबुक, व्हाट्सएप चला रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि वो किसी के धमकाने में आएंगे। वो बच्चा वही करेंगे जो उनके मन में है। कितना बड़ा समर्थन मिल रहा है आपको? मुझे चारों तरफ हर समाज का, हर वर्ग का,
और अपनी पूरी विधानसभा से, जब मैंने आज से 4 साल पहले अपनी विधानसभा में कदम रखा था तब भी मुझे भरपूर समर्थन मिला था, लेकिन जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में मैंने कदम रखा इससे तो मुझे और ज्यादा समर्थन मिल रहा है। और ये समर्थन आप देख लेना, जब वोट पड़े तो देखना कितनी भारतीय जनता पार्टी की भरी हुई वोटों से बक्सियां निकलती है। एक तरफ तीन बार के विधायक हैं जो जीते हुए भी हैं, वर्तमान विधायक भी हैं, और एक तरफ आप, तो किस तरह की चुनौती सामने आ रही है? कोई चुनौती नहीं, अगर मन में विश्वास कर लो, निश्चय कर लो तो कोई ऐसा काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते हैं। मुझे लग रहा कोई भी अपने मन में पक्का विश्वास कर ले कि ये काम हम करेंगे तो कर सकते हैं। हमने भी ये ठान लिया है कि विधायक विधानसभा में बदलाव लाएंगे तो लाएंगे, क्योंकि हमारे जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी माननीय योगी जी ने इतना विकास किया है पूरे अपने देश के लिए। आज देखिएगा कि हर घर में पहले चूल्हा जलता था तो अब चूल्हा नहीं जल रहा है, उन्होंने गैस सिलेंडर दिए हैं पूरे अपने पूरे उसके लिए उत्तर प्रदेश के लिए, और गरीब लोगों के लिए अनाज जो पहले खाली पेट सो जाते थे लोग, आज उनको भरपेट खाना मिल रहा है, हर तरीके का नमक तेल दाल हर चीज दे रही है। जो भी एक मतलब घर में जो भी हम लोग डेली यूज में खाने में प्रयोग करते हैं वो हर सुविधा दी जा रही है, पैसे भी दिए जा रहे हैं, बगैर पैसे आजकल कुछ नहीं हो सकता, तो हमारी सरकार पैसे भी दे रही है। तो ये सब चीजें जनता देख रही है कि इस सरकार में कितनी सुविधाएं मिल रही है, बस यही सुविधाएं जनता देख रही है। अभी जो इलेक्शन जब खुलेंगे वोट 7 मार्च को तो आप देख। रहूब अहमद, प्रधान ग्राम पंचायत हथरा, ब्लॉक वजीरगंज, जनपद बदायूं, श्रीमती दीपमाला, सचिव ग्राम पंचायत हथरा की ओर से सभी देशवासियों, नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम रहूब अहमद है, मैं ग्राम पंचायत हथरा का प्रधान हूं। मेरी तरफ से और मेरी सचिव दीपमाला जी की तरफ से 26 जनवरी की तमाम ग्राम वासियों को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।